मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पेपर टू पार्ट बी आज हम देखेंगे इसमें यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको 300 वर्ड में कैसे पूरा करें, पूरा जो भी इसके कार्य फंक्शन स्थापना वही नॉर्मल सी चीजें रहेंगी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसकी एक शुरुआत करेंगे कि यह भारत सरकार का एक कैसी कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑटोनॉमस या स्वायत्त शैक्षणिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी, एक सार्जेंट रिपोर्ट बनी थी स्वतंत्रता के पहले ईयर 1944 में, उसके आधार पर यह बनाया जाता है। ईयर 1952 में सरकार ने डिसीजन लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को जो वित्तीय सहायता दी जाती है यानी फाइनेंशियल जो एड देते हैं उसको इसी संस्था के अधीन रख दिया जाएगा यानी यूजीसी के अंडर में लाया जाएगा। इस तरह से 28 दिसंबर 1953 को उस समय जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने फॉर्मली यूजीसी का गठन किया। ठीक इसके बाद 1956 में जाकर यूजीसी को संसद में एक कानून बिल विधेयक रखा गया, उसके अंडर में लिया जाता है और तभी से ये हायर एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो इतिहास है ये 1944 यानी 1944 से जुड़ा हुआ है। ठीक तो ये सारी चीजें इसके इंट्रोडक्शन में, इसकी हिस्ट्री में, इसके सब बैकग्राउंड में आप एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या काम करता है वो भी देखें, उसके बारे में और काम तो हम इसके काफी डिटेल में लिखेंगे। शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज कॉलेज को ये अनुदान देता है। अनुदान से मतलब है कि गवर्नमेंट की ओर से जो फंड आएगा, पैसा आएगा, तो उसकी डिमांड की जाती है इसी संस्था के पास। और संस्था क्या करेगा, कोर्सेस स्टार्ट करने के लिए, नए प्रकार के सिलेबस के लिए, इस तरीके से वो अन्य कार्यों के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालयों को ये क्या करता है, मान्यताएं भी देता है ना। जैसे आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कई ये अपनी लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट में उन सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है जिनको इसने अप्रूवल दिया हुआ है, वही डिग्री इंडिया में वैलिड होती है। कई सारी यूनिवर्सिटी जो फेक रहती है उनको यूजीसी ने उनको अप्रूवल नहीं दिया होता। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये न्यू दिल्ली में बना हुआ है। और साथ ही साथ ये क्या काम करेगा, ये अपना ठीक से वर्क कर सके इसके लिए इसने अलग अलग रीजन में अपने सेंटर खोले हुए हैं। टोटल इसके रीजनल जो कार्यालय या रीजनल ऑफिस की बात करें वो 6, भोपाल में, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर संरचना समझाने के लिए। तो संरचना में इसमें एक चेयरपर्सन अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें 12 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ये इसकी संरचना हो जाती है। ठीक है अब आपको ना अध्यक्ष लिखने की आवश्यकता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ठीक रहते हैं, मेंस में मुख्य परीक्षा में ये किसी काम के नहीं रहेंगे। अब हमारा मेन पार्ट जो शुरू होगा वो है कि यूजीसी के फंक्शंस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं। तो उसके कार्यों की एक लिस्ट है, उनको हम पॉइंट में लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे पहला कार्य है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में समन्वय और उसकी प्रगति हेतु शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के स्तर में प्रगति करना, यानी ये यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन उसमें कोऑर्डिनेशन करना, उसमें जो भी उसमें टाइम टू टाइम एग्जाम, सिलेबस, उसके बारे में रिसर्च, ये सारे काम ये करेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था एनसीईआरटी के बारे में, वो स्कूल लेवल पर एजुकेशन का काम करता है और ये कॉलेज लेवल पर एजुकेशन से संबंधित सारे काम करता है। ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजों का इंस्पेक्शन भी करेगा, निरीक्षण करेगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं सुनते होंगे वहाँ पर कि नैक की टीम आ रही है, यूजीसी की टीम आ रही है, तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए। नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को ये क्या करता है, एडवाइस देता है कि हाँ नई यूनिवर्सिटी खोली जाए, नहीं खोली जाए, खोलने की आवश्यकता है। इसके साथ इसका मेन पर्पज वो भी सामने आता है कि फाइनेंशियल एड यानी आर्थिक अनुदान प्रदान करने के लिए ये सिफारिश करता है। ठीक इसके अलावा और इसके कार्यों को देखें, शिक्षा के विस्तार और विकास संबंधी कार्य करना, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, परीक्षा प्रणाली यानी एग्जाम पैटर्न, अनुसंधान यानी रिसर्च संबंधी कार्यों की जानकारी प्राप्त करना, उनको सलाह देना, ये सब काम करेगा। भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा पूछे जाने वाले जितने भी डाउट्स हैं, कहीं पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ क्लैरिफाई नहीं है एजुकेशन रिलेटेड, तो उन सबको ये क्लियर करेगा।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी के काम में आने वाली, जो विश्वविद्यालय के काम आने वाली उपयोगी, यहाँ पर इसको उपयोगी पढ़े ना कि अनुपयोगी, उपयोगी मटेरियल और जो भी टेक्नोलॉजी है ये दूसरे देशों से जुटाना, जैसे वर्ल्ड लेवल पर इसकी पहुँच रहती है। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज में कोई नए कोर्स, नए पैटर्न, नए चीज़ों को लिया है तो इसको ये अपने देश में भी लेकर आता है। इसके कुछ एडिशनल फंक्शन भी लिखे जा सकते हैं कि ये तो इसके मेजर काम हो गए, इसके अलावा इसके गौण कार्य अन्य कार्यों में आता है कि विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन करना, ठीक, शिक्षकों के वेतनमान में सुधार करना यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी सैलरी के बारे में बात करना, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, ठीक, छात्रावासों का निर्माण कार्य, सेवानिवृत्त जो शिक्षक रहते हैं उनकी सेवाओं का उपयोग करना, शिक्षकों का आदान प्रदान यानी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी भेजा जा सके उसके बारे में बात करना, स्कॉलरशिप, फेलोशिप संबंधी जो भी कार्य रहते हैं वो सब देखना, तो ये इसके कार्य हो जाते हैं। अब ये कार्य जो थे इसको अभी पॉइंट में लिखा, ऐसे 10-12 पॉइंट हो जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अगर आप इनको पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको पूरा एक पैराग्राफ के फॉर्म में कि यूजीसी के द्वारा छात्रावासों का निर्माण कार्य भी किया जाता है, इसके द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए अध्ययन केंद्रों की स्थापना भी की जाती है, जो कॉलेजों में प्रोफेसर रहेंगे उनके वेतनमान के बारे में भी विचार करना यूजीसी का कार्य है, तो ऐसा सेंटेंस बना करके भी उसको लिख सकते हैं, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब उसके फंक्शन लिखें जहाँ 10-12 पॉइंट बन सकते हैं तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्टेट पीएससी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये क्या करता है, उच्च शिक्षा को प्रत्ययन का कार्य 62 विभाग यानी 62 डिपार्टमेंट और 19 जो स्टडी सेंटर है उनकी सहायता से ये करता रहता है। इसके बाद उच्च शिक्षा एवं इसमें जो अपडेट हुआ यानी अपडेट क्या चल रहा है, चल ये रहा है कि यूजीसी को समाप्त करने की बात की जा रही है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग लेकर आए, उसी प्रकार से ये जो पुराने इंस्टीट्यूट्स बने रहते हैं तो कुछ फैशन के तौर पर और कुछ उनकी वास्तविक कमियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाप्त करने की बात की जाती है। तो ये करंट से जोड़ सकते हैं कि उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक 2011 के अनुसार यूजीसी के स्थान पर क्या बनाने जा रहे हैं, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान राष्ट्रीय आयोग NCHER। ये इसके संबंध में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, इसका संरचना और ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसका लिंक दिया होगा। तो NCHER के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, UGC और अन्य संबंधित संस्थानों को उसमें मिलाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने 2015 में इसको डिजॉल्व करने की भी सिफारिश की थी। ऐसे करके UGC का यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में बचता है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेंस बड़े क्वेश्चन जो रहेंगे उसका कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है, बिना निष्कर्ष के आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का नहीं माना जाएगा, ठीक। तो UGC का जो कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन कैसा हो सकता है, अगर सरकार ने जैसे सिफारिश की इसको खत्म करने की तो आप उसके सपोर्ट में भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, एक संस्था बनी हुई है उसको अचानक से बंद कर देना, तो आप कुछ तर्कों के साथ उसमें को नहीं बंद करने पर भी बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि UGC का भविष्य क्या होगा, यह अभी से कहना अत्यधिक उत्साही होगा, लेकिन UGC ने अपने गठन से लेकर वर्तमान तक सराहनीय कार्य किया है, कुछ अपवाद स्वरूप यानी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ ये ठीक से काम नहीं कर पाया तो उनको एक्सेप्शन मान लेते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप इसे पूर्णतः खारिज करने के स्थान पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता, ठीक, ये भी एक निष्कर्ष हो जाता है जहां आप इसको पूरी तरह से कैंसिल नहीं करते। हिंदी मीडियम में इस प्रकार से UGC नहीं लिखेंगे, आप इसमें हिंदी में ही लिखेंगे। यहां पर आपको बताने के लिए इसके शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लिया गया है, इंग्लिश वाले वो शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं क्योंकि UGC जो है ये टेक्निकल वर्ड नहीं है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो यह बनाओ फिर जी बनाओ, है ना, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के वीडियो कंटिन्यूस आपको मिले तो मस्ट है इसको सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम अगली संस्था पर भी जल्दी ही लेक्चर बना के आपको देंगे। धन्यवाद।